सबसे पहले आता है म्यूटू। अगर हम मेगा वॉल्यूशन को काउंट ना करें तो म्यूटू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन है। अटर्नेटस जो कि नया नया आया है स्वॉर्ड एंड शील्ड में, बट इसके बेस स्टैट अभी जितने भी पोकेमोन आए हैं जितने भी सीजन में सबसे ज़्यादा हाई है उनमें। और अगला आता है रेक्वेज़ा। रेक्वेज़ा जिसको स्पेस का रखवाला भी कहा जाता है और बेसिकली इसने ग्रोडाउन और गायरो को भी डिफीट किया है। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है म्यूटू वर्सेस रेक्वेज़ा वर्सेस अटर्नेटस पे। तो आइए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं सबसे पहले बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो में बेस स्टेट को इंक्लूड ही नहीं किया है। तो जो लोग ये सोच के आए मेरा अटर्नेटस जीतेगा बेस स्टेट ज्यादा है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ अगर मैं बेस स्टेट को इंक्लूड करता तो ऑफ कोर्स आंसर होता अटर्नेटस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं अटर्नेटस को हराने के लिए कर रहा हूँ, तो गाइस ऐसा नहीं है। मैं आपको और भी ज्यादा पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप किसी भी पोकेमोन को जज कर सकते हो कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो इसलिए मैंने बेस्टेड को इंक्लूड ही नहीं किया। और ट्विस्ट भी लाना जरूरी होता है, जो सब करे यार वही मैं करूँ, तो फिर यार वीडियो स्पेशल कैसे बनेगी, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एबिलिटीज। तो म्यूटू एंड अटर्नेटस की एबिलिटीज जो डेटा में दी गई है वो है कि उनकी एबिलिटी है प्रेशर एबिलिटी, नॉट दिस वन, ठीक है। प्रेशर एबिलिटी का मतलब होता है कि वो पीपी यूसेज को मतलब रोक देती है, मतलब अगर वो कोई भी मूव यूज करेगा तो उसका पहला मूव लेजेंडरी पोकेमॉन रोक देगा। और वहीं पे रेक्वेज़ा की जो पी मतलब एबिलिटी है वो है एयरलॉक। इस एबिलिटी के थ्रू रेक्वेज़ा कोई भी वेदर हो जाए वो उस पर कंट्रोल पा सकता है, उसको कोई भी डैमेज नहीं होगा। अब हम लोग कुछ ऐसी एबिलिटी की बात करने वाले हैं जो कि एनिमे में तो दिखाई गई थी बट वो डेटा में नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि म्यूटू वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, पर ये एबिलिटी रेक्वेज़ा में बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि रेक्वेज़ा के पास एयरलॉक एबिलिटी है जो कि इसको रेसिस्ट कर देगी। तो म्यूटू की एबिलिटी यहाँ पे कोई काम नहीं आएगी। और दूसरी तरफ है अटर्नेटस की जाइगेंटमैक्स एबिलिटी, जो कि एबिलिटी ना म्यूटू के सामने काम आएगी ना ही रेक्वेज़ा के सामने। बट म्यूटू की जो एबिलिटी है वो उसके टाइप को भी थोड़ी मदद करती है। जैसे कि आपको पता होगा अगर आप किसी लेजेंडरी के साथ लेजेंडरी के थ्रू बैटल कर रहे हो तो प्रेशर एबिलिटी कैंसिल हो जाती है, तो इसका मतलब जिस पोकेमोन की स्पीड ज़्यादा है वो पहले अटैक करेगा। और ये तो आपको पता होगा कि अटर्नेटस से ज़्यादा स्पीड है म्यूटू की। ऑफ कोर्स यार उसके पास एक तो मेगा वॉल्यूशन दी है, और अगर जाइगेंटामैक्स में भी हो जाता है अटर्नामैक्स में भी तो भी म्यूटू की एबिलिटी उसको बहुत मदद करेगी यहाँ पे अटर्नेटस से जीतने में। और यहीं पे अगर रेक्वेज़ा की एबिलिटी की बात करें तो रेक्वेज़ा जो है वो जाइगेंटामैक्स एबिलिटी से भी थोड़ी चांसेस रखता है जीतने की, और म्यूटू से तो वो चांसेस रखेगा ही जीतने की। बट जो एबिलिटीज होती है वो टाइप में भी थोड़ी मदद करती है। तो अगर ये बात करें कि म्यूटू जो है अगर वो साइकिक अटैक कर सकता है, और ये भी ध्यान रखना कि जो अटर्नेटस है वो भी साइकिक मूव से कमज़ोर है, तो यहाँ पे अगर एबिलिटी के और टाइप की बात करें तो यहाँ पे विन होता है रेक्वेज़ा को एक पॉइंट, और म्यूटू को सेकंड आता है, और अटर्नेटस जो है थर्ड आता है। तो मैं पॉइंट दूंगा रेक्वेज़ा को 2, म्यूटू को 1 एंड अटर्नेटस को 0। अब गाइस अगर हम लोग मूव्स की बात करें और टाइप एडवांटेज की बात करें तो म्यूटू के पास ऐसे बहुत ही कम मूव्स है जो कि वो रेक्वेज़ा के सामने और अटर्नेटस के सामने परफॉर्म कर सकता है। बट जो भी है वो ठीक ठाक है कि वो उन दोनों पोकेमोन को 50% डैमेज जरूर दे देगा। बट भाई साहब अटर्नेटस और रेक्वेज़ा के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगा क्योंकि उन दोनों के पास इतने सारे मूव्स है, इतने सारे मूव्स है ना कि म्यूटू टिक ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैं म्यूटू को प्यार से साइड में हटाता हूँ, ठीक है, नो हेट। अब अटर्नेटस और रेक्वेज़ा की बात करें तो यहाँ पे अटर्नेटस के पास मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा मूव नहीं है जो कि रेक्वेज़ा को डिफीट कर सके, और रेक्वेज़ा के पास ऐसे अल्टीमेटली मूव्स है, बहुत सारे मूव्स है जो कि अटर्नेटस को एक बार में सटका देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं पॉइंट दूंगा म्यूटू को, 1 का 1 ही रहेगा वो। अटर्नेटस के पास हो जाएगा 1 पॉइंट एक और क्योंकि वो म्यूटू को तो डिफीट कर देगा, तो नाउ अटर्नेटस हैविंग 1 पॉइंट। अब रेक्वेज़ा के पास होता है पूरे 4 पॉइंट्स क्योंकि वो अटर्नेटस को भी सटका देगा और म्यूटू को भी। तो यहाँ पे स्कोर कुछ चल रहा है, म्यूटू 1,
Eternatus 1 एंड Rayquaza 4। तो अब मैं चाहता तो यहाँ पे बेस्टेड लेके मैं वीडियो का भी मस्त एक्सटेंड करके मल्टीपल एड्स लगा के रेवेन्यू कमा सकता था, लेकिन नहीं कमा सकता यार, क्योंकि मैं तुम लोग को गलत नॉलेज नहीं देना चाहता। सिर्फ बेस्टेड वाइज जज करना खराब होता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। पर तब भी अगर बेस्टेड वाइज तुम लोग को जज करना है तो फिर यहाँ पे Eternatus जीत जाता, Mewtwo सेकंड आता और Rayquaza थर्ड आ जाता। बट यार जो सच है और एनिमे के हिसाब से जो चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो अब बस एक पॉइंट या दो पॉइंट बचा है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, क्योंकि ये वीडियो का जो लास्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हिलाने वाला है। आप लोग समझ नहीं पाओगे क्या हुआ और कैसे हुआ, आप लोग को वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट आता है उनकी स्पेशलिटी। अगर हम लोग बात करें Mewtwo की स्पेशलिटी की, तो उसके पास है 2 मेगा वॉल्यूशन और दोनों ही एक से बढ़कर एक है। मेगा Mewtwo एक्स में उसके पास फाइटिंग टाइप एज वेल एज वो साइकिक टाइप का होता है, एंड वहीं पे मेगा Mewtwo वाई में वो सिर्फ साइकिक टाइप का होता है। तो 2 मेगा वॉल्यूशन उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है, वो कभी भी किसी भी टाइप में स्विच हो सकता है और वो जो चाहे वो पावर उसका यूज़ कर सकता है। और Rayquaza की बात करें तो Rayquaza कभी भी मेगा वॉल्व कर सकता है बिना किसी की स्टोन एंड मेगा स्टोन के, तो ये भी उसके लिए बहुत ही अच्छी एबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं Eternatus की एबिलिटी, यानी कि उसकी अटर्ना मैक्स फॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है कि Eternatus अटर्ना मैक्स फॉर्म में जब आ जाता है तो उसको हराना कोई मजाक नहीं है। और मेरे हिसाब से जब वो अटर्ना मैक्स फॉर्म में होगा तो ना Mewtwo और ना ही Rayquaza उसके सामने कुछ 10 सेकंड भी टिक पाएंगे। तो यहाँ पे Eternatus को 2 पॉइंट मिलता है, तो अब टोटल होता है Eternatus 3 पॉइंट, Mewtwo 1 पॉइंट एंड Rayquaza 4 पॉइंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज के बारे में जिसको कहते हैं कैच रेट। कैच रेट एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन को लेजेंडरी पोकेमॉन कहलाती है, क्योंकि लेजेंडरी पोकेमॉन के कैच रेट बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, तो इसी कारण वो लेजेंडरी कहलाते हैं। तो अब बात कर लेते हो तो Mewtwo की कैच रेट जो है वो सबसे ज़्यादा कम है, और Eternatus और Rayquaza की भी कम है बट उतनी भी नहीं जितनी Mewtwo की है। तो यहाँ पे Mewtwo को मिलता है 2 पॉइंट, तो अब टोटल होता है Eternatus 3 पॉइंट, Mewtwo 3 पॉइंट और Rayquaza 4 पॉइंट। अब बात करते हैं लेजेंडरी पोकेमॉन होने की सबसे बड़ी खासियत, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी खासियत वो होती है कि उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स, वो चाहे तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा सकता है। तो इन तीनों पोकेमॉन की इनकी पर्टिकुलर मूवीज़ में हम लोगों ने देखा है कि कितनी ज़्यादा इन लोगों ने डिस्ट्रक्शन मचाया है। वो अलग बात है कि Eternatus की अभी तक मूवी नहीं आई है, बट गेम में भी उसने देखा ही होगा आप लोगों ने कि गलार रीजन में उसने क्या क्या किया है। और अब बात करते हैं Mewtwo एंड Rayquaza की, तो Rayquaza और डिऑक्सिस वाली मूवी में Rayquaza ने भी ऑलमोस्ट एक शहर को तबाह कर दिया था, और Mewtwo वाली मूवी में जो पोकेमॉन की फर्स्ट मूवी थी और अभी उसका रीमेक भी आ रहा है तो वो भी देखना मत भूलना, तो उस मूवी में Mewtwo ने वेदर को चेंज करके जो तहलका मचाया था ना कांटो रीजन में, सुनामी सब आ गई थी, कती बह डाला था सबको। अब नेक्स्ट पावर आती है सेवियर पावर। सेवियर पावर से मेरा मतलब है कि वो कैसे अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये तीनों पोकेमॉन। आप सोच रहे होंगे ये पावर इस लिस्ट में आनी चाहिए, तो हाँ यार, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैं थोड़ी अंकल वाली बातें करने वाला हूँ, बट थोड़ा सा तो लॉजिक बनता है। क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को बचाती है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी पावर डबल हो जाती है। अब बेसिकली अगर सब सपोर्ट करेंगे यार किसी भी एक पोकेमॉन को, चीयर करेंगे, तो फिर ऑफकोर्स उसकी पावर बढ़ेगी। ऑफकोर्स यार तुम लोग क्रिकेट वगैरह देखते ही होगे, उसमें भी चीयर अप गर्ल्स होते हैं, क्योंकि यार तुम समझ सकते हो चीयर करने से यार बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे Eternatus तो निकाल ही दो, वो तो तबाही मचाने वाला है। और अगर यहीं पे Rayquaza और Mewtwo की बात करें, तो Rayquaza का तो आपको पता होगा कि वो मीट्रॉइड से अर्थ को बचाता है, तो वही बात Mewtwo के साथ भी यही है। Mewtwo को मतलब जैसे ही वो स्ट्राइक बैक के बाद Mewtwo स्ट्राइक बैक के बाद वो मतलब अच्छा बन चुका है, और बेसिकली वो हर एक बंदे को बचाता है, जैसे कि अगर कोई भी मुसीबत में होता है। अगर गेनेसेक्ट वाली मूवी नहीं देखी है तो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो समझ ही गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ इस पॉइंट के थ्रू। तो अब स्कोर बनता है Rayquaza 5, Mewtwo 4 एंड Eternatus 3। सॉरी Eternatus फैंस, बट देखो हमेशा बेस्टेड जो है ना वो हमेशा मायने नहीं रखता है। वैसे मैं बता चुका हूँ, इस पे एक मिनट का भाषण दिया इस वीडियो में, तो रहने देते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो रिजल्ट तो आपको पता चल चुका है कौन कितना पावरफुल है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अब किसी और नई वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो फिर डिसलाइक कर देना, कोई नहीं।
और अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो या फिर और भी तगड़ी वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अंटिल देन गुड बाय। We're just getting started. I know that you want it.